पछमी बंगाल च हो रही हिंसा के खिलाफ अज पंजाब भाजपा ने भी टीएमसी खिलाफ प्रदर्शन किया। दस दईए कि विधानसभा चोणां च टीएमसी की जीत तो बाद लगातार हिंसक घटनावां बंगाल च सामने आ रही सन। नंदीग्राम तो भाजपा के जेतू उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी उत्ते भी हमला होया सी। इस तो इलावा बंगाल च कई होर भाजपा वर्करां नाल भी मारकुट दीआं घटनावां सामने आईआं, जिसनू लैके पूरे देश च भाजपा ने अज मोर्चा खोलिया ते बंगाल च हो रही हिंसक घटनावां की निंदा की है। दस दईए कि पछमी बंगाल च टीएमसी नूं 213 सीटां हासिल होईआं ने ते भाजपा के खाते च महज 77 सीटां ही आईआं हन। अज बटाला च भी भाजपा वर्करां अते ਅਗਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ममता बनर्जी के खिलाफ दिता जा रहा, उसकी पार्टी के खिलाफ दिता जा रहा। इस लोकतंत्र दे विच हर एक व्यक्ति नूं अपना मत देने का, अपना वोट अपनी मर्जी ना देने का अधिकार है। इस लोकतंत्र की हत्या करते हुए ममता बनर्जी ने, उसके वर्करां ने, उसकी पार्टी के लोगों ने उही रवैया अपनाया कि इलैक्शन के रिजल्ट आंदिया ही जिहड़े जिहड़े लोगों ने भाजपा नूं वोटां पाईआं जां बीजेपी के जिहड़े वर्कर सन उन्हां उत्ते हमले करने शुरू कर दिते। इत्थों तक कि कई कार्यकर्ताओं नूं मौत दे घाट भी उतार दिता गया। बहुत शर्म की गल है इस तरह की राजनीति, लोकतंत्र की हत्या ममता बनर्जी द्वारा की जा रही है। अज उहदे खिलाफ़ ही बटाले दे विच असीं इत्थे SDM साहब दे ऑफिस दे बाहर धरना ममता बनर्जी दे खिलाफ़, उहदी पार्टी दे खिलाफ़ लगाया तां कि असीं अपनी आवाज़ नूं उपर तक पहुँचा सकीए राष्ट्रपति तक, और वैसट बंगाल च राष्ट्रपति शासन लगे ता कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्थे रक्षा जिहड़ी है कीती जा सके। जिस तरह उत्थे आवाज़ां उठ रही कि असी भाजपा का साथ दिता लेकिन भाजपा ने सानू कल्या छड़ दिता इत्थे मरन वास्ते, नहीं ऐसी कोई गल नहीं है। कल भी मीडिया दे विच देख रहे सीगे कि जिहड़े जिहड़े कार्यकर्ताओं वल हमला किया गया उत्थे साडे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी खुद उन्होंने घरां दे विच जाके सारी जानकारी लैके और उहदे उत्ते कार्रवाई वास्ते केंद्र दे विच विचार विमर्श चल रहा, और नड्डा जी खुद एक एक कार्यकर्ता दे घर च गए ने, कल मीडिया दे विच भी आया। उत्थे मैनूं लगदा कि जो उत्थों दे हालात ने हुण राष्ट्रपति शासन ही उत्थे लगाना चाहीदा, क्योंकि इदू वध की होएगा भी किसे नूं घर जाके मार देना, हमले करना, जानू मार देना, यह बहुत शर्म की गल है, और उत्थे राष्ट्रपति शासन ही लगाना चाहिए। थोड़े कार्यकर्ता ने कोविड नूं लैके ऐसा प्रदेश वालों ही तय होया सीगा कि कोविड नूं लैके उहदे नियमां की पालना करते हुए 8-10 कार्यकर्ता, इन्ने ही कार्यकर्ता हर धरने च बैठन, ऐसा प्रदेश वालों तय किया गया। निरपक्ष पोस्ट लई गुरदासपुर तों जतेंद्र कुंदल की रिपोर्ट। पंजाब अते पंजाबियत नाल जुड़िया हर मुद्दा, हर खबर निरपक्ष तरीके नाल तुहाडे तक पहुंचण दी कोशिश विच तुसी भी देवो साडा साथ। तां हुणे लाइक करो साडा फेसबुक पेज, सबसक्राइब करो यूट्यूब ते, अते फॉलो करो इंस्टा अते ट्विटर ते निरपक्ष पोस्ट, खबर दी निरपक्ष आवाज। विजिट करो www.nirpakhpost.com।